साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक पर अब 74वां शिकंजा कसता ही जा रहा है। जब से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया है, उसके बाद तो जैसे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि अब बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से भी नवाब मलिक को जोर का झटका लगा है। जो मलिक बार बार अपनी गिरफ्तारी को राजनीति प्रतिशोध बता रहे हैं, उन मलिक का बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंह बंद करा दिया है और जमानत की आस लगाए बैठे मलिक को बड़ा झटका दे दिया, जिसके बाद तो नवाब मलिक की हालत जेल में और भी बदतर हो गई है। खाना पीना तो छूट ही गया है, साथ ही साथ मलिक की नींद भी गायब हो गई है। वहीं ईडी दफ्तर से आ रही खबरें भी मलिक के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो क्या कुछ कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने और पीएम मोदी के बयान के बाद क्या एक्शन लेने की तैयारी में है ईडी, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और नवाब मलिक की इस हालत पर कमेंट जरूर करें। तो प्रधानमंत्री मोदी का बयान अपने आप में नवाब मलिक जैसे आरोपियों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है, क्योंकि खुद मोदी ने जांच एजेंसी की कार्रवाई को जायज ठहराया है। अब वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक को उम्मीद थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट उनके लिए राहत की खबर लेकर आएगी, मगर यहां भी सारा मामला उल्टा ही हो गया। दरअसल नवाब मलिक की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई आज यानी कि 11 मार्च को कोर्ट में पूरी हुई और कोर्ट के फैसले से जेल में बैठे नवाब मलिक की हालत और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि मलिक को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाएगी और वो अपने घर पहुंच जाएंगे। मगर मलिक की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब कोर्ट ने सुनवाई के बाद मलिक के पक्ष में ना तो कोई फैसला दिया बल्कि फैसले को और भी लटका दिया। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी की और एनसीबी मंत्री नवाब मलिक द्वारा मांगी गई अंतरिम जमानत में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और श्री एम मोदक की खंडपीठ ने कहा कि वो 15 मार्च को सुबह 10:30 बजे इस मामले में फैसला सुनाएंगे, तब तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा गया है, यानी कि कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला दिया ही नहीं और फैसले को और आगे बढ़ा दिया। यहां आपको बता दें कि मलिक ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह अवैध है। मलिक ने अपनी याचिका में कहा था कि कानूनी धाराओं के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही राजनीतिक प्रतिशोध यानी कि बदले की भावना से उनकी गिरफ्तारी करवाई गई है। मलिक ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि ईडी के आरोप सरासर गलत है कि उनके पास मुंबई के कुर्ला में गोवा वाला बिल्डिंग की संपत्ति है और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के आरोप भी मलिक ने अपनी याचिका में निराधार बताए हैं। यही नहीं, नवाब मलिक ने तो कोर्ट को ये तक कहा कि उनसे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने के लिए ये गिरफ्तारी साजिश के तहत करवाई गई है, जो कि कानूनी रूप से पूरी तरह गलत है। हालांकि कोर्ट ने मलिक की याचिका पर सुनवाई की, मलिक के वकील की पूरी दलीलों को सुना और उसके बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया और कहा कि अब 15 मार्च को इस मामले में फैसला दिया जाएगा। तो जहां मलिक उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें राहत मिलेगी, जेल से आजादी मिलेगी, मगर कोर्ट ने मलिक को किसी भी तरह की राहत फिलहाल तो नहीं दी है। अब खबरें हैं कि कोर्ट के इस फैसले के बाद मलिक की बेचैनी और बढ़ गई है। मलिक ने शुक्रवार सुबह से ही कुछ ना तो खाया और ना ही पिया और नींद तो उनकी जेल में आने के दिन से ही गायब बताई जा रही है। वहीं अब खबरें तो ईडी दफ्तर से भी मिल रही हैं और ये खबरें मलिक के लिए कतई अच्छी नहीं है। सूत्रों की माने तो ईडी अधिकारी अब और मुस्तैदी के साथ मलिक के केस में सबूत जुटाने में लग गए हैं, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी की कार्रवाई को जायज ठहराया है, तब से ही जांच टीम का जोश दोगुना हो गया है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, कहीं से भी राहत नहीं है। फिलहाल तो मलिक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और उसके बाद कोर्ट ही मलिक की आगे की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। तो कोर्ट के फैसले पर और जेल में बिगड़ती मलिक की हालत पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आर्यन खान क्रूज ड्रग केस के दौरान नवाब मलिक ने तो जैसे जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ खूंटा ही गाड़ दिया था। रोज सुबह एक नया ट्वीट कर वानखेड़े पर नए नए आरोप लगाए गए।
समीर वानखेड़े के धर्म, शादी, नौकरी, उम्र और तो और पैदाइश तक पर नवाब मलिक ने कई हैरानी भरे ट्वीट किए और रिलेटेड कागजात और फोटोज भी सार्वजनिक कर दिए। इतना ही नहीं, मलिक ने वानखेड़े के परिवार में उनके माँ बाप और पत्नी क्रांति रेडकर को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि मलिक के इन ट्वीट्स की वजह से ही कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को एनसीबी को छोड़ना पड़ा और प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में प्रेशर झेलना पड़ा और तमाम तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा। मगर फिर भी समीर वानखेड़े ने कभी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा और मलिक के खिलाफ कभी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा। मगर अब जबकि नवाब मलिक खुद जेल की हवा खा रहे हैं और कम से कम 21 मार्च तक तो जेल में ही रहने वाले हैं, तो समीर वानखेड़े ने भी अपने हिस्से की चुप्पी को तोड़ दिया है। दरअसल समीर वानखेड़े ने खुद तो सीधे कुछ नहीं कहा, मगर उनकी पत्नी और मराठी एक्ट्रेस क्रांति रेडकर ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे सीधे तौर पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्रांति रेडकर ने ट्वीट करते हुए एक फोटो शेयर की जिसमें कर्म और फल से जुड़ी बातें लिखी हैं। पोस्ट में अपलोड की गई फोटो में लिखा है, कर्मा सेज माउथ कैन लाई, आईज कैन नॉट, पीपल मे फॉरगेट, कर्मा विल नॉट। यानी कि क्रांति रेडकर ने यहाँ पर निशाना साधते हुए कहा, कर्म कहता है कि मुंह झूठ बोल सकता है पर आंखें झूठ नहीं बोलती। लोग भूल सकते हैं मगर कर्म कभी नहीं भूलते और एक न एक दिन सबके कर्मों का हिसाब होता है। अब क्रांति रेडकर ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया और न ही किसी को टैग किया, मगर उनकी ये पोस्ट सीधे तौर पर नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच जो कुछ हुआ है उसे जोड़कर देखी जा रही है। उनके इस पोस्ट को समीर वानखेड़े का अनकहा रिएक्शन भी माना जा रहा है। आपको यहाँ बता दें कि क्रांति रेडकर मराठी एक्ट्रेस हैं और आर्यन केस में जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगाए थे तो उस वक्त क्रांति रेडकर ने मलिक के हर आरोपों का डटकर सामना किया और जवाब भी दिया। क्रांति रेडकर अपने पति के बचाव में बेखौफ उतर गयी। कई टीवी चैनल्स को दिए इंटरव्यू में क्रांति ने मलिक के हर आरोपों की धज्जियां उड़ाई और वो आज भी सोशल मीडिया पर अक्सर अपने पति समीर वानखेड़े के सपोर्ट में खड़ी नजर आती हैं। क्रांति रेडकर ने कई डॉक्यूमेंट्स भी जारी किए जिससे साफ हो गया था कि वानखेड़े पर लगे आरोप बेबुनियाद थे और अब उन्हीं क्रांति की ये पोस्ट जाहिर तौर पर नवाब मलिक को टारगेट कर रही है, नवाब मलिक की गिरफ्तारी और उन पर लगे आरोपों को निशाना साध रही है। वैसे इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र के विधानसभा के बाहर जो बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन चल रहा था और मलिक के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, उसमें झूठे गवाहों का जिक्र भी निकल कर सामने आया है। जी हाँ, बीजेपी के कुछ नेताओं का दावा है कि नवाब मलिक को बचाने के लिए झूठे गवाह तैयार किए जा रहे हैं और ये गवाह अगर कोर्ट पहुंचते हैं तो ईडी का केस कमजोर होने की भी आशंका है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये झूठे गवाह ईडी अधिकारियों की पूरी मेहनत पर पानी भी फेर सकते हैं। अब बीजेपी के नेता किन गवाहों की बात कर रहे हैं इसे लेकर फिलहाल पुख्ता जानकारी तो नहीं आई है, मगर इतना तय है कि कोई ना कोई खेल तो चल रहा है ताकि मलिक को जेल से बाहर निकाला जाए। हालांकि लगता नहीं है कि मलिक 21 मार्च के बाद भी जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि मलिक पर जो आरोप है, डी कनेक्शन से जुड़े जो आरोप है, धन शोधन से जुड़े जो आरोप है, वो वाकई में संगीन आरोप है। तो फिलहाल तो समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वहीं मलिक के केस में बीजेपी के झूठे गवाहों के आरोप भी चर्चा का विषय बने हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नवाब मलिक को अपने कर्मों की सजा मिल रही है? क्या समीर वानखेड़े की पत्नी की ये पोस्ट मलिक को आईना दिखाने के लिए काफी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।